सर चलो टेन पहला रूट क्वेश्चन टू देखो। हाँ था सर। कितना आंसर आ रहा बेटा? सर रेजिस्टेंट वेक्टर 10√3 आ रहा है सर। 10√3 आ रहा है। देखो सर रिजल्टेंट 10 ही आएगा ना। क्वेश्चन क्वेश्चन कल वाला क्वेश्चन शायद ये था, मैंने ऐसे 10 न्यूटन का फोर्स बनाया था शायद, और फिर इधर शायद 10 न्यूटन का फोर्स बनाया था, यस सर। और मैंने ये वाला एंगल कितना दिया था, 120 डिग्री दिया था। जो बच्चे आज नए हैं शायद उनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐप में जाके वो मेरा जो पुराना वाला वीडियोस है उनको देखे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, आज न्यू स्टूडेंट कौन कौन है? सर जी जीत है शायद, मैत्री है ना? तो बेटा हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं, और फिजिक्स में वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर बहुत ही सर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं। पहले वेक्टर की अच्छी तरह से नॉलेज लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फिजिक्स पर आएंगे। 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है, बताओ नेट फोर्स कितना होगा? तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आर इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था वो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस 2ab cos बी थीटा। कॉस थीटा ए और बी क्या है यहाँ पर? ए है इसका सर 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड, 10 ए कितना है यहाँ पर? ए है आपका 10 का स्क्वायर, बी भी कितना है 10 का स्क्वायर, सर 2 × 10 × 10 cos थीटा, cos थीटा, थीटा कितना एंगल है बेटा यहाँ पे? थीटा 60 डिग्री कितना लेंगे जल्दी बोलो, थीटा सर कितना सिक्सटी लेंगे हम लोग डिग्री यहाँ पर? सर कितना सिक्सटी लेंगे डिग्री थीटा? सिक्सटी हम डिग्री यहाँ पर 60 लोगे, ठीक है, 120 नहीं लेना है हमको, थीटा हम लोग यहाँ सिक्सटी पर 60 डिग्री लेंगे, तो कितना आ जाएगा? cos 60 डिग्री, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर ही रहने दो उसको, 10 का स्क्वायर, 2 × 10 का स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बोलो? cos 60 की 1/2 1/2 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, रूट लग रहा है इसका, फाइनली आंसर आ जाएगा 10√3। यस सर आंसर क्या आएगा? 10√3 न्यूटन आएगा। आंसर यस सर क्या आएगा? यस टेन सर रूट थ्री किस किसका आंसर ये आ रहा था? सर मेरा रिंकी, अवंतिका, यस बेटा ये आंसर आ रहा था क्या? सर यस। चलो तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कल ट्रायंगल लो, आज हम लोग सीखेंगे पैरेललोग्राम लो। कौन सा लो? पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो बच्चे नए हैं वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ठीक है, कल वाला वीडियो देखना, परसों वाला वीडियो देखना, आपको इजीली समझ में आएगा जो मैंने आज पढ़ाया है। तो हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर, और वेक्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। पहला लॉ हमने पढ़ चुके थे, अब आता है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है आपका? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ सर बोर्ड वेक्टर। बोर्ड ब्लर आ रहा है, 2 मिनट, पैरेललोग्राम लॉ 2 मिनट में चेक करता हूं। सर हो गया सही सर हो गया सही बेटा लेट क्यों हो रहे हो? कौन अभी लेट आया? प्राची, ठीक है, तो सी डी निकल गया, ए डी निकल गया, अब आगे देखो, इसको रब कर दूं बेटा? यस सर तो रब कर रहा हूं मैं। यस सर नाउ अब देखेंगे हम किसमें, इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे, कौन सा ट्रायंगल? ओ सी डी में, इन ट्रायंगल ओ सी डी में देखो बेटा। ओ सी डी में मुझे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मुझे ओ से लेकर सी तक की लेंथ निकालनी पड़ेगी। मुझे यस आर सर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ओ से लेकर सी तक इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, क्या राइट एंगल ट्रायंगल है ये? तो राइट यस एंगल सर ट्राइंगल पे इसमें पाइथागोरस पाइथा थ्योरम बोलो लगा सकता हूं, तो मैं यस लगाऊंगा OC का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, अब यस सर O से OD, OD जो है वो दो पार्ट में, O से लेकर A तक और A से लेकर D तक। तो OC को मैं R लिख सकता हूं क्या? OC हाँ एक्चुअल में क्या है? R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो OC को मैं क्या R का स्क्वायर लिख सकता हूं? R क्या है यहाँ पे? रिजल्टेंट OD
ओडी जो है वो क्या है, ओ ए प्लस ए डी, ओडी क्या है, ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वायर प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक क्या है, ओ से लेकर ए तक ओ ए क्या है, जल्दी बोलो, ए वेक्टर या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओ ए क्या है, ओ ए आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे लिख देंगे मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं ए, और ए डी कितना है आपका बेटा, बी कॉस थीटा, से लेकर डी तक कितना है, बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और सी डी कितना है बेटा, सी डी देखो सी डी आपका कितना है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, यस सर, यस सर, आर स्क्वायर अगेन सेम रिजल्ट आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, दिख रहा है आप लोगों को, टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों में कॉमन क्या है, बी स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या है, बी स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, वन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा आर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, और यहां पे लगेगा क्या, अंडर रूट। आई बात समझ में, यस सर, यस सर, किसी को कोई डाउट है, नो सर, नो डाउट सर, जीत मैत्री मानस रिंकी वीरेंद्र विराज अवंतिका, नो सर, नो सर, समझ में आ रहा है आपको, याद क्या करना है, आपको ये याद रखना है, ट्रायंगल लॉ में क्या आया था हमारा रिजल्ट, क्या यही आया था ट्रायंगल लॉ में, यस सर, ट्रायंगल लॉ में भी यही रिजल्ट आया था, तो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ का रिजल्ट दोनों सेम ही होता है, अलग अलग नहीं होता है, ठीक है। अगेन अल्फा एंगल, ये एंगल क्या होगा, अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकालनी हमें, अल्फा कितना होगा बताओ बेटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, वही ट्रायंगल में देखेंगे, इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बी साइन थीटा डिवाइडेड है, बेस में क्या है यहां से लेके यहां तक, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका टेन अल्फा, और ये वाला एंगल क्या हो गया आपका, इसको बोल देंगे बीटा, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन बीटा बोलो मानस, टेन बीटा क्या होगा, दिग्विजय अतुल अवंतिका, टेन बीटा क्या होगा, जहां पर बी है वहां पर ए कर देंगे, और जहां पर ए है वहां पे क्या कर देंगे, बी कर देंगे, बी बी की जगह ए, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी प्लस बी प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा। आया समझ में बेटा, यस सर, यस सर, यस सर, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है ना, नो डाउट, ठीक है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूं मैं, पॉलीगन लॉ भी पढ़ाना था लेकिन पॉलीगन लॉ आई थिंक मैं कल पढ़ाऊंगा, अभी कुछ पॉइंट्स लिख लो आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या लिखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट है, अगर थीटा जीरो डिग्री हो जाए, थीटा जीरो डिग्री हो जाए तो आर कितना आएगा बेटा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस जीरो होगा, थीटा की जगह कितना लिखूंगा, जीरो डिग्री प्लस प्लस टू ए बी हो जाएगा ना सर, खाली सर ए प्लस बी तो होल स्क्वायर, हाँ वो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है सर, वन, वन,
वन होती है तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का रूट। क्या ये फॉर्मूला कुछ देखा हुआ लग रहा है? ये किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना ये? यस सर। इसके ऊपर रूट लगा हुआ है और स्क्वायर है और रूट है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बचेगा ए प्लस बी। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा ये मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा। क्या होगा? मैक्सिमम रिजल्टेंट, मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा। इससे मैक्सिमम रिजल्ट नहीं आ सकता है। अगर दो वेक्टर दे रखा है तो दोनों का मैक्सिमम आपको चाहिए कि मैक्सिमम फोर्स आए तो दोनों को जीरो डिग्री पे फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तभी रिजल्टेंट क्या होगा? मैक्सिमम आएगा। आया समझ में बेटा? यस सर। ठीक है। अगर थीटा पाई, पाई मतलब जानते क्या होता है सर? 180 मतलब सब जानते हो ना पाई? यस सर। पाई मतलब होता है 180 डिग्री। तो एक वेक्टर इस तरफ दूसरा अपोजिट में लगेगा ऐसे करके, एक इधर एक इधर। तो r बराबर क्या हो जाएगा? अब r इक्वल टू बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है सर? माइनस वन। बता सकता है मुझे? माइनस वन। cos 180 कितना होता है? cos 180 होता है माइनस वन। कितना होता है? माइनस वन होता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो माइनस टू ए बी लिख दो उसको। यस सर। क्या फॉर्मूला बन गया? किसका फॉर्मूला बन गया ये? आर इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आर इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी। इसको हम लोग लिखेंगे मॉड में। मॉड में क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? बिकॉज ऑफ रिजल्टेंट कैन बी पॉजिटिव ओनली। हाँ, रिजल्टेंट जो होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही होता है। पॉजिटिव ही होना चाहिए, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है। इसमें ए भी बड़ा हो सकता है, बी भी बड़ा हो सकता है, पता नहीं हमको, इसलिए मैंने मॉड में लिखा। ये वैल्यू क्या होगी? ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। इससे मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो आर बराबर कितना होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस 90। और कॉस 90 कितना होता है? जीरो। टू ए वाली टर्म जीरो हो जाएगी तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचेगा। थोड़ा दिमाग में भी कैलकुलेशन करना सीखो। ठीक है। थोड़ा दिमाग में भी कैलकुलेशन करना सीखो। सबको समझ में आया ना ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आया? यस सर। रिंकी, रिंकी। यस सर। बेटा आ गया? यस सर। विराज, बेटा विराज। यस सर, समझ आ गया। ठीक है। तो r इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू इस r मिनिमम से तो ज्यादा होगी लेकिन r मैक्स से क्या होगी? कम होगी। ये इनके बीच में लाई करेगा। अगला, अगर a और b दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, a और b दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो? बराबर हो, तब क्या होगा? अगर a और b का मैग्नीट्यूड बराबर हो तब क्या होगा? तो जहां पर b है क्या वहां पर भी मैं a लिख सकता हूं? यस सर। r इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? a स्क्वायर और b का स्क्वायर, b की जगह भी a लिख दो, a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b की जगह भी a इंटू cos थीटा। आई बात समझ में? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होगा? 2a² प्लस 2a² इंटू कॉस थीटा। दोनों में क्या कॉमन है? 2a² दोनों में कॉमन है 2a² अंदर क्या बचेगा यहाँ पर? 1 प्लस कॉस थीटा।
वन प्लस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला कभी पढ़ा है आपने? वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है? नहीं पढ़ा होगा शायद, नहीं पढ़ा, पढ़ा है क्या? अच्छा मुझे ये बताओ, कॉस टू ए का फॉर्मूला पढ़ा किसी ने? यस सर, यस सर। कॉस टू ए का फॉर्मूला क्या होता है? वन प्लस कॉस स्क्वायर ए, वन प्लस टू कॉस स्क्वायर ए, टू कॉस स्क्वायर ए। गलत बोल रहा है बेटा, इसका होता है टू कॉस स्क्वायर ए। जिसने पढ़ा नहीं है देखो ध्यान रख लो अभी के लिए, बाकी मैं बताऊंगा जब मैं ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है? अभी खाली इतना ध्यान रखो, कॉस टू ए का फॉर्मूला क्या होता है? टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर ए। वैसे तो उसके तीन फॉर्मूले होते हैं, मैं अभी एक ही फॉर्मूला बताया। हाँ, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए भी होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए भी होता है, ठीक है? तो तीन फॉर्मूले होते हैं, अभी मैंने खाली एक ही फॉर्मूला बता रहा हूँ, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन होता है। माइनस वन को इधर ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा, वन प्लस कॉस टू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू कॉस स्क्वायर ए। अब अगर मैं टू ए को क्या मान लू, इस टू ए को मैं थीटा मान लू, तो इधर क्या हो जाएगा? वन प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। यस सर। और यहां पर तो ए है, तो ए की जगह क्या लिखूंगा मैं? ए की जगह क्या लिखूंगा? थीटा बाय टू। आपका टू ए आपका थीटा है, तो ए हो जाएगा आपका थीटा बाय टू। ए कितना हो जाएगा? थीटा बाय टू। तो टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, तो वन प्लस कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू लिख सकता हूँ। आया समझ में? यस सर। क्या लिख सकता हूं मैं? टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, तो टू ए स्क्वायर तो ये हो गया, और वन प्लस कॉस थीटा की जगह मैंने लिखा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू अंडर रूट। अब देखो टू टू, दो बार टू है तो एक टू बाहर आ जाएगा, एक टू बाहर आ गया, ए का स्क्वायर है तो ए भी बाहर आ जाएगा, कॉस का भी स्क्वायर हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, कॉस का भी स्क्वायर हो रहा है तो कॉस भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा अंदर, तो फाइनली आपका रिजल्टेंट आएगा टू ए कॉस थीटा बाय टू। अगर ए और बी बराबर है तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, आप चाहो तो याद भी रख सकते हो और नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है? याद रहेगा तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी, ठीक है? यस सर, यस सर। तो फाइनली रिजल्ट क्या आया? आर इक्वल टू टू ए कॉस थीटा बाय टू, थीटा बाय टू, ठीक है? जैसे मैंने आपसे एक शुरू में क्वेश्चन पूछा था, कल भी क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने कल वाला? टेन टेन न्यूटन का फोर्स है ना, टेन न्यूटन का फोर्स ऐसा लग रहा है, टेन न्यूटन का फोर्स ऐसा लग रहा है। यहाँ पे ए और बी दोनों बराबर है क्या? यस सर, यस सर। ए और बी दोनों बराबर है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कर सकता हूँ मैं इसको, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से करें, आर इक्वल टू टू इंटू टेन इंटू, दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल, ये वाला लेंगे ना 60, यस सर 60 डिग्री, 60 का हाफ 60 बाय 2 30 डिग्री, cos 30 हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 3 बाय 2, 3 बाय 2, 2 इंटू टेन रूट 3 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा टेन रूट 3, यही आंसर था हमारा? यस सर, यही तो आंसर था हमारा? हाँ सर, ठीक है। तो अगर आपको ये रिजल्ट याद हो कि अगर दोनों वेक्टर बराबर है तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 5, अगर ए और बी दोनों बराबर हो और उनके बीच में एंगल थीटा जो हो, थीटा आपका 120 डिग्री हो, कितना 120 डिग्री, इसको पाई में कितना लिखेंगे? पाई में कैसे लिखेंगे 120 डिग्री को, जल्दी बोलो? 2 पाई बाय 3, क्या लिखेंगे? 2 पाई बाय 3। अगर थीटा आपका 120 डिग्री हो और या फिर 2 पाई बाय 3 हो और ए और बी, ए का मैग्नीट्यूड बराबर, बी का मैग्नीट्यूड बराबर, तो आर क्या आएगा?
आर इक्वल टू, मैं डायरेक्ट इसमें वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, टू ए कॉस थीटा बाई टू, क्योंकि ए और बी तो बराबर है इसमें, तो मैंने लगाया टू ए कॉस थीटा कितना है 120 बाय टू, सर ए ही आएगा, कितना आएगा टू ए कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो आर भी कितना आएगा सर, ए आर भी आपका ए ही आएगा, ए और बी बराबर है और दोनों 120 डिग्री के बीच का एंगल है, मान लो एक फोर्थ ऐसे है 10 न्यूटन और एक फोर्थ ऐसे है 10 न्यूटन, ये दोनों के बीच में एंगल हो गया 120, तो इनका रिजल्टेंट इनके बीच में आएगा ऐसे करके, और उसकी वैल्यू भी क्या होगी 10 ही होगी, उसकी वैल्यू भी क्या होगी 10 न्यूटन ही होगा, जीत दिशा, यस सर, बेटा आपको समझ में आ रहा है, यस सर, मैत्री दिशा, चलो आगे देखें, यस सर, क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कोई डाउट हो बेटा आप लोग पूछ सकते हो, आप जैसे सवाल yes, करते sir. हो ना यहाँ, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास का ये फायदा है, क्या फायदा है कि यहाँ पर किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए, ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, ऑफलाइन क्लास में वहां पर बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं और फिर हम लोग डाउट पूछते हैं, तो शायद आप लोगों को बच्चों को किसी कोई के बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा क्वेश्चन या करने में क्या होता है थोड़ी शर्म आती है या फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है सबके सामने डाउट पूछने में, ठीक है, तो वो बच्चे यहाँ पर डाउट पूछ सकते हैं, किसको पता किसने डाउट पूछा, आई बात समझ में बेटा, तो आपको बोलना है यहाँ पे मुझसे बातें करनी है और जो प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करनी है, ठीक है, यस सर, यस सर, मेरे मैं इसको आपकी आपको शीट वगैरह भी दूंगा, मैं शायद सोच रहा हूँ उसको ऐप में ही डाल दू, मैं ऐप के अंदर ही डाल दूंगा मैं शीट को, ठीक है, वेक्टर वाली को आप उसमें से डाउनलोड करके, अच्छा डाउनलोड नहीं होगी उसमें, उसमें ही देख पाओगे आप, चलो आगे देखें, अब क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, वेक्टर पे क्वेश्चन, अभी जो हमने रिजल्ट पढ़ा उस रिजल्ट पे क्वेश्चन, क्वेश्चन है मान लो मेरे पास एक फोर्स है एफ वन इक्वल टू कितना है, एफ वन इक्वल टू है 5 न्यूटन, कितना है 5 न्यूटन है, एंड एफ टू इक्वल टू 3 न्यूटन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस आर नॉट पॉसिबल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नेट फोर्स आर नॉट पॉसिबल, बात समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, मेरे पास एक फोर्स है F1 और F2, दो फोर्स है F1 और F2, एक की वैल्यू है 5 न्यूटन, दूसरे की वैल्यू है 3 न्यूटन, तो मैं ऑप्शन दूंगा, उन ऑप्शन में बताना है कि जो F नेट होगा वो इनमें से क्या नहीं हो सकता है, F1 इक्वल टू 5 न्यूटन, बी ऑप्शन है 3 न्यूटन, सी ऑप्शन है 2 न्यूटन, डी ऑप्शन है 6 न्यूटन, ई ऑप्शन है 7 न्यूटन, एफ ऑप्शन है 9 न्यूटन, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन दे दिए आपको, बताओ इनमें से कौन कौन से फोर्सेस पॉसिबल नहीं है सर, 5, 3, 6, 7, 9 ये पॉसिबल नहीं है, नहीं है, दिग्विजय ने बोला 5, 3, 6, 9 ये पॉसिबल नहीं है, अमृता 5, 3 और 9, ठीक है, देयर आर इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं, ओनली वन ऑप्शन नहीं है, मोर देन वन आंसर हो सकता है इसका,
तो कौन कौन से ऑप्शन होंगे? 5, 3 and 9 ये पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट, और कोई जिसका ऑप्शन अलग हो? मानस, रिंकी, विराज, कृष्णा. देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई नीट वगैरह में, और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. कौन सा कॉन्सेप्ट? कि मुझे याद है अगर मेरे पास 5 न्यूटन हो और 3 न्यूटन हो, 3 न्यूटन हो, तो मैं इन दोनों से मैक्सिमम कितना फोर्स बना सकता हूं? सर जल्दी बताओ, मैक्सिमम फोर्स कितना बना सकता हूं? मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स फोर्स जब ये एक ही डायरेक्शन में लगेंगे तभी हो सकता है. तो दोनों का एड कर देंगे 5 + 3, तो मैक्सिमम 1 न्यूटन का फोर्स हो सकता है. और मिनिमम कितना फोर्स हो सकता है? 2 न्यूटन. मिनिमम फोर्स हो सकता है आपका 2 न्यूटन. क्या 2 न्यूटन से कम हो सकता है क्या? नो सर. नो सर. क्या 8 न्यूटन से ज्यादा हो सकता है क्या? नो सर. नो सर. क्या इन दोनों के बीच में हो सकता है क्या? यस सर. तो इन दोनों के बीच में कौन सा? 5 पॉसिबल है. हाँ सर, तो इस हिसाब से तो पॉसिबल है सर. 3, 2. यस सर. यस सर. डी. यस सर. 6. यस. ई. यस सर. एफ. नो सर. एफ. नो सर. पॉसिबल नहीं है. तो इसका आंसर होगा एफ न्यूटन. अगर मैं ऑप्शन में देता हूँ 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन भी होता नहीं? 1 न्यूटन भी होता फिर, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं होता. आया समझ में? यस सर. तो इस तरह के क्वेश्चन. लेकिन 5 और 3 कैसे पॉसिबल है? 5 और 3 भी हो सकता है ना बेटा. आपकी जो रेंज है वो 2 न्यूटन से लेके 8 न्यूटन के बीच में कुछ भी हो सकता है. सर वो तो पता चला, लेकिन उनमें कौन सा एंगल रखेंगे कि होगा? वो आप निकाल सकते हो, चाहो तो निकाल सकते हो. कैसे निकालोगे बताओ? मैंने बोल दिया कि आर आया 5 न्यूटन. आर कितना आ रहा है? 5 न्यूटन आ रहा है. तो कितना एंगल होगा? एंगल कितना होगा? आपको फॉर्मूला याद है, आर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा. यहां पर भी स्क्वायर कर देता है, रूट हट जाएगा. ठीक है, आर की जगह क्या रखूंगा मैं? 5. आर की जगह क्या रखूंगा? 5 का स्क्वायर 25 लिख रहा हूं डायरेक्ट ही. ए कितना है? इधर भी 25 आ जाएगा. बी कितना है? 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा. 2 × 5 × 3 × cos थीटा. इधर भी 25, इधर भी कैंसिल आउट. 9 आएगा इधर, माइनस में 9 हो जाएगा. 253 डिवाइड में आ जाएंगे. 253 × cos थीटा. 3 × 3 = 9. cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा -3/10. अब ये जो है ये स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है. अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आई थिंक आंसर आपका निकल जाएगा, 90 से ज्यादा आएगा. सर आया समझ में? कैसे निकालेंगे हम लोग? यस सर. क्लियर सर. दो वेक्टर्स के बीच में अगर आपको रिजल्टेंट दे रखा है तो आप क्या निकाल सकते हो? इसका एंगल भी निकाल सकते हो. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहीं पे करेंगे. कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? पॉलीगन लॉ. और फिर कल मैं आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी सिखाऊंगा. वेक्टर को ऐड करना आ गया, अब वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? ठीक है. यस सर. यस सर.